मोदी जी अपने मन की बात नहीं कहते, वो लोगों से सुझाव मांगते हैं। विरोधियों का काम तो विरोध करना, क्योंकि उनको कोई मुद्दा नहीं है, वो क्या कहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हरियाणा आज पर। 9 साल 9 कमाल का कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था? डॉक्टर संजय शर्मा मीडिया हेड है और हरियाणा भाजपा को वो बड़ी ही शिद्दत से देखते हैं। शर्मा जी, क्या कार्यक्रम था जो पूरे हरियाणा के जो मीडिया थे, सोशल मीडिया थे, सबको इन्वाइट किया आपने? क्योंकि आपको पता है कि 9 साल जो है वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जी। तो जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में किया है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, उतना काम सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में होगा या मोदी जी की सरकार में होगा। बाकी कांग्रेस ने नारे दिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आज क्योंकि 9 साल पूरे कल होने वाले हैं, 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले जो दूसरा कार्यकाल था उसको सब ले, 4 साल उसके हो गए, 5 पहले थे, तो ऐसा 9 साल का सेलिब्रेशन हम इसे 1 महीने में करने वाले हैं। पूरा महीना कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला है वो होने वाला है, वो कल से प्रारंभ हो जाएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली से। तो आज हमने पूरे हरियाणा के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल चलाने वाले या इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोगों को बुलाया था। इससे पहले हमने मीडिया के जितने भी एडिटर्स हैं या उनके जो चीफ ब्यूरो हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो प्रमुख लोग हैं, उनको बुला करके उनके साथ हमने सेलिब्रेट किया है। एक PPT दिखाई है, उसके माध्यम से थोड़ा काम जो मोदी जी का है वो दिखा पाए हैं। बाकी अब पूरा 1 महीना उस काम के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी, क्या वजह थी कि शुरुआत ही उन्हीं से की गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। खबर आपकी जो है अभी शायद आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पे तो एकदम चीजें हाथ में पहुंच जाती है, प्रिंट मीडिया अगले दिन मिलता है। तो इसलिए सोशल मीडिया के लोगों को हम केवल ध्यान करा रहे हैं कि मोदी जी ने, उनको पता है, उनको जानकारी है। हम ऐसे फॉलोअर्स जिनके, ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के, उनको हमने मैक्सिमम बुलाने की कोशिश की। सबको नहीं बुला पाए क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या है, तो कुछ को बुला पाए ताकि वो जन जन तक इस बात को पहुंचे, नीतियां रीतियां है वो पहुंच सके। लेकिन जैसे विरोधी तो हमेशा कहते हैं कि मोदी साहब भी अपने मन की बात कहते हैं, यहाँ भी आज आप लोगों ने अपने मन की बात की, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो नदारद यहाँ भी रहा। पहले तो आपको जानकारी दूं, मोदी जी अपने मन की बात नहीं कहते, वो लोगों से सुझाव मांगते हैं। जो लोगों के सुझाव आते हैं वही वहाँ प्रस्तुत करते हैं, और जो अच्छे काम समाज के अंदर हो रहे हैं, अच्छी शुरुआतें जो हो रही हैं उन्हीं को दिखाते हैं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करते। जो लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, चाहे पर्यावरण को लेकर किए, चाहे वाटर पानी रिजर्वेशन, उसी को वहां प्रस्तुत करते हैं। विरोधियों का काम तो विरोध करना, क्योंकि उनको कोई मुद्दा नहीं है, वो क्या कहेंगे। अपने मन की बात आप देखिए ना, उनके 100 एपिसोड हो गए, 101 में अभी हुआ कहता है, आप 101 एपिसोड को उठाओ, आप तो बहुत सुलझे चैनल के व्यक्ति हैं, और आप देख सकते हैं कि उनमें हमेशा लोगों की बात की है। चाहे वो किसी ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए काम किया, तालाब को संरक्षण करने का काम किया, या पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, ऐसे सब लोग। चलिएगा, इसके बाद सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने सुलझे हुए पत्रकार, तारीफ हमारी कर दी, इसके बाद तो कुछ सवाल बचता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। नहीं नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा, जो है उसको वही कहना पड़ता है, ऐसे में झूठी प्रशंसा किसी की नहीं करता, जो है वो करता हूँ। आपका मैं चैनल देखता हूँ, आपका जो शो है मैं देखता हूँ, और उसमें जिस तरह के सवाल आप उठाते हैं, जिस तरह की चर्चाएं आप करते हैं, जिस तरह से करंट मुद्दों को आप छूते हैं, उसमें जो तीखे सवाल करते हैं, मुझसे भी तीखे सवाल आपने किए हैं, तो उसके मैं ये कहूंगा, आप सुलझे हुए पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आपकी क्या राय है, 9 साल में 9 कमाल हुए या फिर 9 जो सवाल कांग्रेस कर रही है वो सही है, क्या कौन सही कौन गलत है, कितना काम हुआ कितना नहीं, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताते रहिए। दीपक के साथ यशपाल कंचन, हरियाणा आज के लिए।